और चलिए बढ़ते आगे, आज नामांकन दाखिल करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। छिंदवाड़ा में एक विशाल रैली के साथ नामांकन का पर्चा वो भरने वाले हैं। दोपहर 12:15 पर छोटी बाजार कमलनाथ पहुंचेंगे। श्री राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में उनकी ओर से पूजा अर्चना की जाएगी और पूजा अर्चना के बाद एक विशाल रोड शो को यहां पर संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन का पर्चा भरेंगे। नामांकन के बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सांसद नकुलनाथ और वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए छिंदवाड़ा से सहयोगी महेश चांडक जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे का कार्यक्रम और क्या कुछ आज होगा? छिंदवाड़ा में जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है आज अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे और साथ ही जो है एक विशाल रैली के रूप में उनका ये यहाँ से रवाना होंगे। छोटी बाजार होते हुए बड़ी माता मंदिर होते हुए और प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने जो है तो विशाल आम सभा को भी वो संबोधित करेंगे। परंतु निश्चित रूप से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और साथ ही अब इस नामांकन को भरने के लिए प्रदेश के सहित और सांसद नकुलनाथ तथा उनकी पत्नी प्रियनाथ भी आज इनके साथ मौजूद रहेगी। परंतु कहीं ना कहीं अब ये साफ सामने आ रही है कि आज ये विशाल रैली जो है पूरे मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करेगी और आज ये नामांकन अपना दाखिल करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद अपनी रणनीति आगे की जो है विशाल जनसभा के बाद जो अपनी रणनीति आगे की बनाएगी। महेश, यहाँ पर कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे नामांकन कार्यक्रम में? ऐसा तो कोई भी चेहरे का नाम नहीं आया क्योंकि कमलनाथ खुद ही अपने आप में बड़े चेहरे के रूप में पूरे प्रदेश में सामने हैं और उनके पुत्र जो सांसद नकुलनाथ हैं, छिंदवाड़ा से सांसद हैं, वो इस सभा में शामिल रहेंगे और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जिले के पदाधिकारी हैं वो लोग इसमें शामिल होंगे और प्रियानाथ जो है नकुलनाथ की पत्नी है वो आई हुई है और वो भी आज इस रैली में शामिल होंगे। बिल्कुल, चलिए महेश बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।